डरी डरी नहीं, पंजाब से आतंकवाद खत्म करके दम लिया उस कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी। क्या बात करते हो राजीव गांधी जी। सब जना तो मैं आप सबसे एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि यहां पर ये राजस्थान की धरती है, ये माणा प्रताप पन्ना भाई की धरती है, ये भक्त मीरा की धरती है और ये जयपुर ठाकुर गोविंद देव जी की नगरी है। यहां पर जब लड़ाई लड़ेगी इनकी इनकम टैक्स सीबीआई पार पार में मुकाबला होगा, ये तय कर लेना कोई डरने वाला नहीं है, लड़ने के लिए तैयार बैठे और डर के राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता काम ही नहीं करता। राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर अपना खून पसीना बहाना जानता है, लड़ना और मरना जानता है। जो कांग्रेस जिसने जिस कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी के 24/303 की गोलियां लगी, लेकिन इंदिरा जी डरी नहीं, पंजाब से आतंकवाद खत्म करके दम लिया उस कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी। क्या बात करते हो राजीव गांधी जी। सही हो गए सरदार भीम सिंह रंधावा साहब जानते हैं, उनको बम से उड़ा दिया, महात्मा गांधी के गोली लग गई, आप किसको डरा रहे हो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, अरे बीजेपी वाला हल्ले खिलाड़ी हो गया, 8 साल के मायने बार बार कहते हैं हमारा एक भी नेता नहीं फंसा, फंसे तो फटो ईडी था की इनकम टैक्स था की सीबीआई था की जान ले मारे पेट्रोल पी गया। ये बीजेपी के लोग दोस्तों ना रोटी खाते हैं, ना रोटी पकाते हैं, ना रोटी सेकते हैं, सिर्फ रोटी से खेलते हैं। यही कारण है सरदार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे, लेकिन डीजल पेट्रोल 70 रुपए लीटर से नीचे बिक रहा था। और अब जब $81 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम है तब पेट्रोल डीजल 100 के पार जा रहा है, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म, लेने पंजी टाइल ऐसी जनता मोदी है तो मुमकिन है ठोकरी सबकी। ज्यादा गीत गा दिया बिजनेसमैन ने कहा ले समार जीएसटी 28% लगा दू, भलो करो राहुल गांधी को, राहुल गांधी पैदल निकलो तो 10,000 रुपया जीएसटी लागती,